मुजफ्फरपुर में कोविड को लेकर अस्पतालों में धावा दल की छापेमारी, कहीं स्थिति ठीक तो कहीं कार्रवाई की अनुशंसा। सिटी एसपी सहित नगर आयुक्त के टीम ने की छापेमारी। कोरोना काल में मरीजों द्वारा लगातार मिल रही शिकायतों के बाद मुजफ्फरपुर प्रशासन ने धावा दल का गठन कर दिया है। इस दल में आईएएस अधिकारी, सह नगर आयुक्त, सिटी एसपी सहित अन्य अधिकारियों को शामिल किया गया है। इसी क्रम में शहर के कई अस्पतालों पर अचानक पहुंचकर अस्पतालों के मानकों सहित डिस्चार्ज बिल, ऑक्सीजन, दवाई इत्यादि का ब्यौरा लिया। जिले के एक दो अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। वहीं कई अस्पतालों में विधिवत इलाज होते पाया गया है। सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि जिला अधिकारी के आदेश पर हम लोगों ने यह जांच की है। स्थिति लगभग ठीक है, थोड़ा बहुत सुधार करने की जरूरत है जो बता दिया गया है। वहीं शहर के एक दो अस्पतालों में गड़बड़ी मिली है जिसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे एक डीएम सर के द्वारा में धावा दल का गठन किया गया है। जो धावा दल निरंतर यहाँ पे जो कोविड हॉस्पिटल है, समय समय पर जा करके उसको चेक किया जाता है। उसी क्रम में आज प्रसाद हॉस्पिटल में ही विवेक रंजन मैत्रे आईएएस नगर आयुक्त महोदय के साथ में हम लोगों ने यहाँ पे किया। कोई यहाँ पे शिकायत वाली बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। थोड़ी बहुत जो कमी बेसी नज़र आई है उसको हम लोगों ने स्ट्रक कर दिया है, उसको फुल लेवल एलोक कर लेंगे। और बाकी कालाबाजारी का मामला सामने आता है निजी अस्पताल के द्वारा मनमाने पैसे भी वसूलने की बात नहीं, वही सब हम लोग यहाँ पे जांच कर रहे थे। हम लोगों ने यहाँ से बहुत सारे रसीद वगैरह लिया है, जो डिस्चार्ज स्लिप होता है वो सब लिया है। उसको हम लोग जाँच करेंगे सरकारी दर के अनुसार वो है या नहीं है, इसकी भी हम लोग जांच कर लेंगे। अभी कोई गंभीर अनियमितता यहाँ पे अभी प्रकाश में नहीं आए हैं। और बाकी चीज़ों की हम लोग जांच कर रहे हैं, जो बाद में फिर बताएं। यहाँ पे नहीं आई है और भी लगातार आप लोग छापेमारी कर रहे हैं? हाँ, चल रही है। कुछ अभी क्या कुछ एक आध जगह पे आई है, उस पर हम लोग कार्रवाई के लिए लिखा भी है और उस पर कार्रवाई होगी भी। सर, मरीज या मरीज के परिजनों से बातचीत हो पाई है? हाँ, बातचीत हुई है, उन लोगों के द्वारा भी संतुष्टि व्यक्त की गई है, कोई शिकायत नहीं बताया गया। ठीक।